आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है लाइगर तो लाइगर फिल्म का जो हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा और मलयालम ये जो वर्जन से वो कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर भी डिटेलिंग में बातचीत करेंगे साथ ही में फिल्म का एक रिव्यू करने वाले है जहां पे हम आपको इस फिल्म की कहानी और उसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर बातचीत करेंगे साथ ही में इस फिल्म की कास्ट के परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में चर्चा होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारे वीडियो स्टार्ट करते है लाइगर जो 2022 की इंडियन स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है इस फिल्म को तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया था इसके अलावा तमिल मलयालम और कन्नड़ा ये तीन वर्जन में फिल्म को डब किया गया है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो पूरी जगन्नाथ का था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें पूरी जगन्नाथ ने खुद की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इस फिल्म के डायरेक्टर कि पूरी जगन्नाथ वो खुद इस फिल्म को, कर को, को, को करीबन सो से सवा सो करोड़ के बजट के आसपास का बनाया गया था यानी कि एक हाई बजट फिल्म थी जिसके लीड रोल में थे नना दिन विजय देवरकोंडा उनके अपोजिट कास्ट किए गए थे अन्य पांडे को इनके अलावा रम्या कृष्णन रोनित रॉय विशू रेड्डी अली मकर पांडे गेटअप श्रीनो चंकी पांडे और माइक टाइसन आपको इस फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहां पे माइक टाइस ने इस फिल्म में क्लाइमैक्स में एक एक्सटेंडेड कैमियो अपीरेंस दिया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर

जिसको हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था दूसरे लैंग्वेज में रिक्रिएट किया गया था जिसके राइट से वो सोनी म्यूजिक इंडिया को अच्छी प्राइस में बेचे गए थे तो ये सभी गाने फिलहाल में सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी लैंग्वेज में सुनने को मिल जाएंगे इसके अलावा इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो ए फिल्म्स और श्री के सिनेमाज ने मिलकर इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था वैसे अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई गई थी जहां पे सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था कुछ वर्ड्स को म्यूट किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन और पूरी कनेक्ट ने इस फिल्म को करीबन सवा सौ करोड़ के बजट के साथ बना के रिलीज किया हुआ था इस फिल्म की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत करें तो प्री प्रोडक्शन शुरुआत करते विजय देवर कोंडा जो इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद उनको कुछ ट्रेनिंग के लिए थाईलैंड भेजा गया था जहां पे उनके फिजिकल परफॉर्मेंस इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की गई थी इसके अलावा वो एक हकलाते हुए बोलने वाले किक बॉक्सर थे तो उसके लिए भी उनको ट्रेनिंग दी गई थी इस फिल्म में उनके अपोजिट पहले जानवी कपूर होने वाली थी लेकिन उनके पास काफी सारी ऐसी फिल्में थी जिसकी डेट इस फिल्म के साथ मैच हो रही थी जिसके चलते बाद में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और बाद में इस फिल्म को अनन्या पांडे को ऑफर किया गया था जिन्होंने इस फिल्म को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था इस फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है वो पहले मनीष शर्मा देने वाले थे लेकिन उसके बाद में चेंज किया गया जहा पे इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो दोनों मनीष शर्मा ही कंपोज करने वाले थे लेकिन बाद में सॉन्ग्स के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर को चूज किया गया वहीं पे बैकग्राउंड के लिए चूज किया गया था सुनील कश्यप को तो इस तरह से म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर काम किया गया था सेप्टेम्बर दो को एक ऑफिशियल अपडेट आई हुई थी कि बॉक्सर माइक टाइसन जो इस फिल्म में एक एक्सटेंडेड कैमियो कैम देने वाले जिनका इंडियन सिनेमा में एक्टिंग डेब्यू होने वाला है इसके अलावा इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो 20 जनवरी 2020 को इस फिल्म की गई शेड्यूल चला था जहां पे प्रोडक्शन को बाद उसके बाद में इस फिल्म को काफी लंबे समय के बाद करीबन फरवरी दो में स्टार्ट किया गया था तो इतने लंबे अंतराल के बाद फिल्म का सेकंड शेड्यूल है उसको हैदराबाद में शूट किया गया था वहीं पे अप्रैल 2021 में सभी चीजें प्रोडक्शन के डिले होने की वजह से सेकंड वेव की वजह से बार-बार फिल्म रिज्यूम और पॉज हो रही थी उसके बाद में फिल्म के कास्ट और क्रू ने इस फिल्म की शूटिंग को सितंबर 2021 में रिज्यूम किया हुआ था नवंबर 2021 में कास्ट और क्रू ने लास वेगास में एक शूटिंग रखी हुई थी छोटा थोट सा पोर्शन था जहां पे माइक टायसन के साथ विजय देवअरकुंडा का एक फाइट सीक्वेंस और ओवरऑल एक उनका जो क्लाइमेक्स में एक्सटेंडेड के अपीरेंस था माइक टाइसन का वो वहाँ पे शूट किया हुआ था इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से फरवरी 2022 तक कंप्लीट करवाया गया था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो गानों को हिंदी तेलुगु लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था बाकी सभी वर्जन में रिक्रिएट किया गया था डब किया गया था ऐसा कह सकते हैं

गाना मेरा बनेगा तू जिसके लिरिक्स लिखे कुणाल वर्मा ने म्यूजिक डायरेक्टर और गाया हुआ है लक्ष्य कपूर ने तो इस तरह से टोटल आठ गाने थे जिसकी लेंथ है बाईस मिनट सेकंड इन सभी गानों को तेलुगु तमिल कन्नड़ा और मलयालम इन सभी वर्जन में क्रिएट किया गया था सभी गानों के जो राइट्स है सभी वर्जन के वो सोनी म्यूजिक इंडिया के ही पास है तो हिंदी वर्जन के गाने वो सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में वहीं पे तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम वर्जन के जो गाने हैं वो सभी गाने सोनी म्यूजिक साउथ के ऊपर यूट्यूब पे ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे तो इस तरह से सभी गाने अलग अलग लैंग्वेजेस में आप फ्री में ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की के कास्ट के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर उसके बाद कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे इस फिल्म का जो टाइटल किरदार है लाइगर उसका प्ले किया हुआ है विजय देवरकोंडा ने तानिया पांडे वो रोल प्ले कर रहे अनन्या पांडे रम्या कृष्णा ने बालमणि का रोल प्ले किया हुआ है रोनित रॉय को क्रिस्टोफर का रोल दिया गया था जो एम के कोच थे विष्णु रेड्डी ने इस फिल्म में संजू पांडे का रोल प्ले किया हुआ है अली ने इस फिल्म में अली भाई का रोल प्ले किया हुआ है मकरंद देश पांडे ने एक बोले तो मोहल्ले का एक वसूली वाला जो रोल था वो उनको दिया गया था लेकिन कैरेक्टर का नाम नहीं दिया हुआ था गेटअप्रीनों ने गणपत का रोल प्ले किया हुआ था चंकी पांडे ने ऐसे पांडे यानी कि तनिया और संजू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है माइक टेसन आपको इस फिल्म में मार्क हेंडरसन के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने इस फिल्म एक, एक, एक दिया हुआ है कहानी के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं लाइगर यानी कि विजय देवरकोंडा उनका एक ही सपना है कि वो नेशनल एमएमए एम चैंपियनशिप जीते और वो और उनकी मां यानी कि रम्या कृष्णन दोनों इस सपने को फुलफिल करने के लिए मुंबई आ जाते हैं लाइगर को ट्रेनिंग के लिए एमएमए में जाना और जाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए और वो ट्रेनिंग एक ही आदमी दिलवा सकता है जहाँ पे उसका नाम है नन क्रिस्टोफर अब इनके बीच में एक आ जाती अनन्न्य पांडे नाम की लड़की जो लाइगर यानी कि विजय देवर कोंडा से प्यार करने लगती है जिसका नाम है तानिया वो एक पैसे वाले की लड़की है लेकिन आगे जाते कुछ ऐसा ट्विस्ट क्रिएट होता है जिसके चलते वो लड़की उसके ऊपर चीट कर देती है अब बाकी की कहानी यही है कि अब वो दिल टूटा आशिक लाइगर किस तरह से अपना कम करेगा किस तरह से इंटरनेशनल एम एम चैंपियनशिप जीतता है वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है अब हम बात करें इस फिल्म के प्लस पॉइंट्स की तो विजय देवरकोंडा ने इस फिल्म में काफी बढ़िया काम किया हुआ है उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको जरूर पसंद आएगा जिस तरह से वो कर थे वो काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल किया हुआ है सेकंड हाफ में खास करके अच्छी तरह से उन सभी चीजों को हैंडल किया हुआ था अनन्या पांडे ने अपने रोल में जितना भी काम था उसमें जो एक रिच गर्ल वाला किरदार था उस वैसे फिल्म की कहानी के साथ उतना कुछ खास लेन देन नहीं था लेकिन जो भी किरदार था उसमें वो ठीक ठाक नजर आ रही थी अली ने डिसेंट वे में अपना रोल प्ले किया हुआ है रोल रोल ही बोल सकते हैं हैं श्रीनो अपने रोल के साथ थोड़ी बहुत कॉमेडी करते हुए नजर आते रम्या कृष्णा ने विजय देवर कोंडा की मां के रोल में काफी बढ़िया काम किया हुआ है उनके इमोशंस को उन्होंने बढ़िया तरीके से कन्वे किया हुआ है रोनीत रोई एक इम्प्रेसिव कोच का रोल प्ले करते हुए नजर आते काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने डिलीवर किया हुआ है वो रोल माइक टाइसन ने इस फिल्म में कैम्यू अपीरेंस दिया हुआ है इस फिल्म के एंड में उनका सीक्वेंस आता है जहाँ पे उनके विजय देवर कोंडा के साथ जितने भी सीन्स क्रिएट किया हुआ है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ है एमएमए फाइट सीक्वेंस में को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ था वो कोरियोग्राफर की तारीफ करनी पड़ेगी काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी एक्शन ब्लॉक को उन्होंने स्टाइलिश तरीके से क्रिएट किया हुआ था इस फिल्म में आपको विजय देवरकोंडा जो स्टेमरिंग वाला एक एक्ट करते हुए नजर आते तो कुछ हद तक तो आपको वो पसंद आता है लेकिन धीरे धीरे वो स्टेमरिंग काफी ज्यादा हो जाता है जिस वजह से जो डायलॉग फ्री फ्लो के साथ बोलने चाहिए थे जिसकी वजह से वो डायलॉग डिलीवरी की इम्पोर्टेंट में जगह पे जो एक इम्पेक्ट पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ पाता है वहां पे पूरी जगन्नाथ की थोड़ी वो गलती थी अगर वो डिसबिलिटी वाला किरदार ना लिखते तो भी चल जाता क्योंकि इस किरदार में मास अवतार का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो काफी डल तरीके से दिखाया जाता है अदरवाइज रखते भी तो अभी स्टेमरिंग का जो पोर्सन था उसको थोड़ा शॉर्ट रखना था यानी कि काफी ज्यादा हकलाए हुए बताए हुए अगर थोड़ा कम रहता तो थोड़ा और बेहतर होता इस फिल्म की कहानी काफी छोटी है स्टोरी लाइन उतना कुछ कुछ बड़ा नहीं है कोई प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है फिल्म में हीरो की जर्नी भी कुछ ऐसी अधीरे उधरी पकाई हुई नजर आती है लव स्टोरी को फोर्सफुल एड किया ऐसा नजर आ रहा था वो सभी चीजें कुछ खास इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रही थी फिल्म का पहले हाफ में स्टोरी को थोड़ा डिसेंट वे में हैंडल करने की कोशिश की हुई है जहाँ पे कुछ गाने सुनने को मिलते जो डिसेंट थे लेकिन सेकंड हाफ जिस तरह से दिखाया हुआ है वो पूरा लोजिक ले नजर आता है जहाँ पे विजय की जो जर्नी है यूएस तक की दिखाई गई है जिस तरह से वो फेमस होता है उसको सभी चीजों को दिखाया हुआ है वो थोड़ा ओवर दी टॉप नजर आता है इसके अलावा इस फिल्म में जो इमोशनल कनेक्शन दिखाने की कोशिश की हुई वो पूरी तरह से डिसअपॉइंट का तोन नजर आता है इस फिल्म में जो एक पेज दिखाया हुआ है अनन्या पांडे को लेकर वो पूरी तरह से सीली नजर आता है उसको जरा भी ढंग से हैंडल नहीं किया हुआ था क्योंकि वो सभी चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी फिल्म की कहानी पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल थी वहाँ का जो सेंटिमेंट दिखाया हुआ है उसको काफी लाउड दिखाया हुआ है वो प्रॉपर देव्थ वाला नज़र नहीं आता है वो कनेक्शन नहीं बैठ पाता है इसके अलावा इस फिल्म में काफ़ी सारे हाई मोमेंट देखने के हम एक्सपेक्टेशन रख रहे थे लेकिन वो एक्सपेक्टेशन पूरी फिलफिल नहीं हो पाती फुलफिल नहीं हो पाती है बाई चांस आपको एक हाथ कोई ऐसा हाई मोमेंट देखने को मिलेगा अदरवाइज विजय देव और कोंडा को जिस तरह से पूरे जगन्नाथ ने क्रिएट किया हुआ है वो काफी डिसअपॉइंटिंग नजर आता है उनके किरदार की बात कर रहा हूँ

पूरी तरह से जो हाइप क्रिएट हुई थी उसके ऊपर जी नहीं पाते वो जिस तरह से कहानी को लिखे उसको जिस तरह से किए जिस तरह से लीड एक्टर का जो किरदार लिखा हुआ था वो सभी चीजें क्लियरली नजर आता है कि जल्दबाजी में निपटाई हुई ऐसा नजर आ रहा था कुछ भी फिल्म की कहानी के साथ सही नहीं जा रहा था हीरो को स्टेमरिंग करना काफी

स्पोर्ट ड्रामा जिस तरह से उन्होंने क्रिएट किया हुआ था वहां पे कोई फ्रेशनेस नजर नहीं आती फिल्म की खाने को जिस तरह से हैंडल किया हुआ है वो भी रूटीन नजर आता है फिल्म में जितने भी ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलता है जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है वो कोई भी किसी भी प्रकार का इम्पेक्ट ऑडियंस में क्रिएट नहीं कर पाता है फिल्म में बहुत ही कम ऐसे मोमेंट नजर आएंगे जो आपको हाई लगेंगे इसके अलावा जो कॉमेडी है जो एक पेट्रोटिक डायलॉग है वो उतने कुछ खास उन्होंने क्रिएट नहीं किए जिसकी वजह से मास ऑडियंस इन सभी चीजों से अट्रैक्ट हो पाती ऑन कह सकते हैं कि लाइगर एक ऐसी फिल्म है जिसकी जो हाइप क्रिएट हुई थी उसके हिसाब से वो नहीं जा पाती है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करती हुई नजर आती है फिल्म की कहानी बेअर थी स्टोरी लाइन थी ये सब बोल सकती का जो विजय का एक था जिस तरह से प्रोसीडिंग को फटाफट निपटाया हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म के ड्रॉबेक में आती है

इंडिया लेवल पे रिलीज किया गया था जहां पे टोटल पांच लैंग्वेज थी जिसमें हिंदी, तमिल तेलुगु, कन्नडा और मलयालम लैंग्वेज शामिल थी इस फिल्म को जब रिलीज किया गया एक बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी 9 सितंबर 2021 को एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी कि ये फिल्म सॉरी जनवरी 2021 में अनाउंसमेंट हुई थी कि ये फिल्म सितंबर 2021 में आएगी 9 सितंबर 2021 में लेकिन प्रोडक्शन डिले होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 25 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया जहां पे फिल्म के जो थिएट्रिकल राइट्स थे वो करीबन इक्यासी करोड़ में बेचे गए थे और विजय देव और कोंडा ने अपने करियर में जितनी भी फिल्में की हुई है उसमें सबसे ज्यादा राइट्स बिकने वाली फिल्म साबित हुई थी हालाकि लाइगर तक जितनी भी उन्होंने फिल्में की हुई थी उसमें सबसे महंगी फिल्म लाइगर ही थी करीबन सो सवा सो करोड़ का बजट था इस फिल्म के जो सेटेलाइट ओ टी टी राइट थे उसको भी रकम में बेचा गया था म्यूजिक राइट्स को भी काफी बड़ी रकम में बेचा गया था तो ओवरऑल मेकर्स ने काफी सारा प्रॉफिट जरूर किया होगा भले थिएटर में फिल्म प्रॉपर वर्क नहीं करी है लेकिन जिस तरह से बॉक्स ऑफिस के अलावा इस फिल्म ने दूसरा जो कलेक्शन करके दिखाया हुआ है सेटेलाइट ओ टी टी और म्यूजिक डिपार्टमेंट से वो काबिल तारीफ है वहां पे ये फिल्म आसानी से प्रॉफिटेबल वेंचर साबित होती है अदरवाइज थिएट्रिकल रन के हिसाब से देखे तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी जहा पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था एम पे करीबन फिल्म को चौवालिस वोट मिले हुए थे जिसमें तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म ऑडियंस ने किस तरह से नकार दी थी लेकिन उसके बावजूद भी इस फिल्म को जब ओ पे रिलीज किया गया तब एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ है

देखने को मिलेगी तमिल तेलुगु, कन्नडा और मलयालम वर्जन में हिंदी वर्जन के साथ इसके अलावा इस फिल्म को चैनल स्टार स्टार्ड एच डी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से इस फिल्म को यानी कि लाइगर फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे लाइगर जो 2022 की इंडियन स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है इस फिल्म को तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया था इसके अलावा तमिल मलयालम और कन्नडा ये तीन वर्जन में फिल्म को डब किया गया है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो पूरी जगन्नाथ का था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें पूरी जगन्नाथ ने खुद की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि पूरी जगन्नाथ वो खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे उनके साथ करण जौहर थे चार्मिक और अपूर्वा मेहता और हीरो हीरोहर ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे इस फिल्म को करीबन 100 से सवा करोड़ के बजट के आसपास का बनाया गया था यानी कि एक हाई बजट फिल्म थी जिसके लीड रोल में थे देवरकोंडा, उनके अपोजिट कास्ट किए गए थी अनन्या पांडे को इनके अलावा रम्या कृष्णन रोनित रोय विश्व रेड्डी अली मकरंदेश पांडे पांडे गेटअप्रीनो चंकी पांडे और माइक टाइसन आपको इस फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं।

इसको कंपोज किया होता था जिसके अलावा जो सॉन्ग्स थे उसको कंपोज अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने किया हुआ था फिल्म में टोटल आठ गाने हैं जिसको हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था दूसरे लैंग्वेज में रिक्रिएट किया गया था जिसके राइट से वो सोनी म्यूजिक इंडिया को अच्छी प्राइस में बेचे गए थे तो ये सभी गाने फिलहाल में सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी लैंग्वेज में सुनने को मिल जाएंगे इसके अलावा इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो ए फिल्म और श्री के सिनेमाज ने मिलकर इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था वैसे अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था कुछ वर्ड्स को म्यूट किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन और पूरी कनेक्ट ने इस फिल्म को करीबन सवा सौ करोड़ के बजट के साथ बना के रिलीज किया हुआ था इस फिल्म की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत करें तो प्री प्रोडक्शन शुरुआत करते विजय देवरकोंडा जो इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद उनको कुछ ट्रेनिंग के लिए थाईलैंड भेजा गया था जहाँ पे उनके फिजिकल परफॉर्मेंस इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की गई थी इसके अलावा वो एक हकलाते हुए बोलने वाले कीक बॉक्सर थे तो उसके लिए भी उनको ट्रेनिंग दी गई थी इस फिल्म में उनके अपोजिट पहले जानवी कपूर होने वाली थी लेकिन उनके पास काफी सारी ऐसी फिल्में थी जिसकी डेट इस फिल्म के साथ मैच हो रही थी जिसके चलते बाद में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और बाद में इस फिल्म को अनन्या पांडे को ऑफर किया गया था जिन्होंने इस फिल्म को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था इस फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है वो पहले मनीष शर्मा देने वाले थे लेकिन उसके बाद में चेंज किया गया जहाँ पे इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर वो मनीष शर्मा ही कंपोज करने वाले थे लेकिन बाद में काम किया गया था सेप्टेम्बर दो हजार को एक ऑफिशियल अपडेट आई हुई थी कि बॉक्सर माइक टाइसन जो इस फिल्म में एक एक्सटेंडेड कैमरास देने वाले जिनका इंडियन सिनेमा में एक्टिंग डेब्यू होने वाला है इसके अलावा इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो 20 जनवरी 2020 को इस फिल्म की फिल्मिंग स्टार्ट की गई थी जब टेंटेटिव टाइटल रखा गया था फाइटर 40 दिनों का एक लंबा शेड्यूल चला था जहां पे प्रोडक्शन को बाद में मार्च 2020 में रोकना पड़ा था कोविड 19 की वजह से और उसके बाद में इस फिल्म को काफी लंबे समय के बाद करीबन फरवरी दो में स्टार्ट किया गया था तो इतने लंबे अंतराल के बाद फिल्म का सेकंड शेड्यूल है उसको हैदराबाद में शूट किया गया था वहीं पे अप्रैल 2021 में सभी चीजें प्रोडक्शन के डिले होने की वजह से सेकंड वेव की वजह से बार बार फिल्म रिज्यूम और पोज हो रही थी उसके बाद में फिल्म के कास्ट और क्रू ने इस फिल्म की शूटिंग को सितंबर 2021 में रिज्यूम किया हुआ था नवंबर 2021 में कास्ट और क्रू ने लास वेगास में एक शूटिंग रखी हुई थी छोटा थोट सा पोर्सन था जहाँ पे माइक टैसन के साथ विजय देवरकोंडा का एक फाइट सीक्वेंस और ओवरऑल एक उनका जो क्लाइमेक्स में एक्सटेंडेड गेम अपीयरेंस था माइक टैसन का वो वहाँ पे शूट किया हुआ था इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से फरवरी 2022 तक कंप्लीट करवाया गया था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो गानों को हिंदी तेलगु लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था बाकी सभी वर्जन में रिक्रिएट किया गया था डब किया गया था ऐसा कह है सकते हैं इन गानों को दो हजार में रिकॉर्ड किया गया था जिसके से सोनी म्यूजिक इंडिया के पास और अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के पास इस फिल्म के गानों को गवाया गया था सॉरी म्यूजिक दिलवाया गया था ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना है लाइगर हंड थीम जिसके लिरिक्स लिखे हुए फरहाद फरहादिवीवाला ने म्यूजिक दिया हुआ विक्रम मोन्तरो ने सिंगर थे फरहाद फरहादिवीवाला वहीं पे इस फिल्म का दूसरा गाना यानी कि अकड़ी पकड़ी जिसके लिरिक्स लिखे मोहसिन शेख अजीम दयानी ने जहाँ पे म्यूजिक दिया हुआ लिजो जॉर्ज डी जे चेता सो सुनील कश्यप ने सिंगर थे देव नेगी पवन पांडे और लिजो जॉर्ज तीसरा गाना है वाट लगा देंगे जिसके लिरिक्स पूरे जगन्नाथ जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने खुद लिखे हुए थे म्यूजिक दिया था सुनील कश्यप ने और उसको गाया हुआ है विजय देवरकोंडा ने आफत वो गाना के लिरिक्स लिखे हुए रश्मि विराग ने सिंगर यानी कि म्यूजिक डायरेक्टर थे तनिस बागची सिंगर थे सरा एस खान और तनीस बागची पांचवा गाना है कोका 2.0 जिसके लिरिक्स लिखे हुए जानी लीजो जो, जो ने म्यूजिक दिया हुआ था जानी लीजो जोस और जो चितिजे जो चेतास जिसको गाया हुआ सुखे और लिशा मिस्रा ने छठा गाना है अटेक जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे फरहाद वाला ने म्यूजिक दिया हुआ है विक्रम मोन्तरो ने गाया हुआ है फरहाद वाला ने

सभी गानों के जो राइट्स है सभी वर्जन के वो सोनी म्यूजिक इंडिया के ही पास है तो हिंदी वर्जन के गाने वो सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में वहीं पे तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम वर्जन के जो गाने हैं वो सभी गाने सोनी म्यूजिक साउथ के ऊपर यूट्यूब पे ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे तो इस तरह से सभी गाने अलग अलग लैंग्वेजेस में आप फ्री में ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की के कास्ट के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर उसके बाद कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे इस फिल्म का जो टाइटल किरदार है लाइगर उसको प्ले किया हुआ है विजय कोंडा ने तानिया पांडे वो रोल प्ले कर रही है अनन्या पांडे रम्या कृष्णा ने बालमणि का रोल प्ले किया हुआ है रोनित रॉय को क्रिस्टोफर का रोल दिया गया था जो एम के कोच थे विष्णु रेड्डी ने इस फिल्म में संजू पांडे का रोल प्ले किया हुआ है अली ने इस फिल्म में अली भाई का रोल प्ले किया हुआ है मकरंद देश पांडे ने

और वो और उनके माँ यानी कि रम्या कृष्णन दोनों इस सपने को फुलफिल करने के लिए मुंबई आ जाते हैं लाइगर को ट्रेनिंग के लिए एमएमए में जाना और जाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए और वो ट्रेनिंग एक ही आदमी दिलवा सकता है जहां पे उसका नाम है नन दे क्रिस्टोफर अब इनके बीच में एक आ जाती अनन्या पांडे नाम की लड़की जो लाइगर यानी कि विजय देवर से प्यार करने लगती है जिसका नाम है तानिया वो एक पैसे वाले की लड़की है लेकिन आगे जाते कुछ ऐसा ट्विस्ट क्रिएट होता है जिसके चलते वो लड़की उसके ऊपर चीट कर देती है अब बाकी की कहानी यही है कि अब वो दिल टूटा आशिक लाइगर किस तरह से अपना कम करेगा किस तरह से इंटरनेशनल एम एम जीतता है वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है अब हम बात करें इस फिल्म के प्लस पॉइंट्स की तो विजय देवरकोंडा ने इस फिल्म में काफी बढ़िया काम किया हुआ है उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको जरूर पसंद आएगा जिस तरह से वो कर थे वो काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल किया हुआ है सेकंड हाफ में खास करके अच्छी तरह से उन सभी चीजों को हैंडल किया हुआ था अनन्या पांडे ने अपने रोल में जितना भी काम था उसमें जो एक रिच गर्ल वाला किरदार था उस किरदार का वैसे फिल्म की कहानी के साथ उतना कुछ खास लेन नहीं था लेकिन जो भी किरदार था उसमें वो ठीक ठाक नजर आ रही थी अली ने डिसेंट रे में अपना रोल प्ले किया हुआ है उनका एक रोल ही बोल सकते हैं है श्रीनो अपने रोल के साथ थोड़ी बहुत कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं रम्या कृष्णा ने विजय देवर कोंडा की मां के रोल में काफी बढ़िया काम किया हुआ है उनके इमोशंस को उन्हें बढ़िया तरीके से कन्वे किया हुआ है रोनित रॉय एक इम्प्रेसिव कोच का रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने डिलीवर किया हुआ है वो रोल माइक टाइसन ने इस फिल्म में कैम्यो अपीयरेंस दिया हुआ है इस फिल्म के एंड में उनका सिक्वेंस आता है जहाँ पे उनके विजय देवर कोंडा के साथ जितने भी सीन्स क्रिएट किए हुए उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ है एमएमए फाइट सीक्वेंस में को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ था वो कोरियोग्राफर की तारीफ करनी पड़ेगी काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी एक्शन ब्लॉक को उन्होंने स्टाइलिश तरीके से, से क्रिएट किया हुआ था इस फिल्म में आपको विजय देवरकंडा जो स्टेमरिंग वाला एक एक्ट करते हुए नजर आते तो कुछ हद तक तो आपको वो पसंद आता है। लेकिन धीरे धीरे वो स्टेमरिंग काफी ज्यादा हो जाता है जिस वजह से जो डायलॉग फ्री फ्लो के साथ बोलने चाहिए थे जिसकी वजह से वो डायलॉग इम्पोर्टेंट में जगह पे जो एक इम्पेक्ट पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ पाता है वहां पे पूरी जगन्नाथ की थोड़ी वो गलती थी अगर वो डिसबिलिटी वाला किरदार ना लिखते तो भी चल जाता क्योंकि इस किरदार में मास अवतार का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो काफी डल तरीके से दिखाया जाता है अदरवाइज रखते भी तो अभी स्टेमरिंग का जो पोर्सन था उसको थोड़ा शॉर्ट रखना था यानी कि काफी ज्यादा हकलाए हुए बताए हुए अगर थोड़ा कम रहता तो थोड़ा और बेहतर होता इस फिल्म की कहानी काफी छोटी है स्टोरी लाइन कुछ कुछ बड़ा नहीं है कोई प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है फिल्म में हीरो की जर्नी भी कुछ ऐसी उधरी पकाई हुई नजर आती है लव स्टोरी को फोर्सफुल ऐसा नजर आ रहा था वो सभी चीजें कुछ खास इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रही थी फिल्म का पहले हाफ में स्टोरी को थोड़ा डिसेंट वे में हैंडल करने की कोशिश की हुई है जहाँ पे कुछ गाने सुनने को मिलते जो डिसेंट थे लेकिन सेकंड हाफ जिस तरह से दिखाया हुआ है वो पूरा लोजिकलेस नजर आता है जहाँ पे विजय की जो जर्नी है यूएस तक की दिखाई गई है जिस तरह से वो फेमस होता है उसको सभी चीजों को दिखाया हुआ है वो थोड़ा ओवर दी टॉप नजर आता है इसके अलावा इस फिल्म में जो इमोशनल कनेक्शन दिखाने की कोशिश की हुए वो पूरी तरह से डिसअपॉइंट का हुआ नजर आता है इस फिल्म में जो ट्विस्ट दिखाया हुआ है अनन्या पांडे को लेकर वो पूरी तरह से सिली नजर आता है उसको जरा भी ढंग से हैंडल नहीं किया हुआ था क्योंकि वो सभी चीजें प्रिडिक्टेबल थी फिल्म की कहानी पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल थी माँ का जो सेंटिमेंट दिखाया हुआ है उसको काफी लाउड दिखाया हुआ है वो प्रॉपर देव वाला नजर नहीं आता है वो कनेक्शन नहीं पेट पाता है इसके अलावा इस फिल्म में काफी सारे हाई मोमेंट्स देखने की हम एक्सपेक्टेशन रख रहे थे लेकिन वो एक्सपेक्टेशन पूरी फुलफिल नहीं हो पाती फुलफिल नहीं हो पाती है बाई चांस आपको एक हाथ कोई ऐसा हाई मोमेंट देखने को मिलेगा अदरवाइज विजय देव और कोंडा को जिस तरह से पूरे जगन्नाथ ने क्रिएट किया हुआ है वो काफी डिसअपॉइंटिंग नजर आता है उनके किरदार की बात कर रहा हूँ टेक्निकल के करें में, हिंदी गाने को कहानी को रोक रहे, हो, ऐसा नजर आ रहे थे कुछ गानों की जरूरत भी नहीं थी बीजेम फिल्म का उतना कुछ खास नहीं था थोड़ा और बेटर वे में क्रिएट किया जा सकता था प्रोडक्शन डिजाइन का यूज थोड़ा बेटर वे में कर सकते थे प्रोडक्शन डिजाइन बेहतर वे में की जा सकती थी डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ ने इस फिल्म में पूरी तरह से जो हाइप क्रिएट हुई थी उसके ऊपर जी नहीं पाते वो जिस तरह से कहानी को लिखे उसको जिस तरह से वो जिस तरह से का जो किरदार लिखा हुआ था वो सभी चीजें क्लियरली नजर आता है कि जल्दबाजी में निपटाई हुई ऐसा नजर आ रहा था कुछ भी फिल्म की कहानी के साथ सही नहीं जा रहा था हीरो को स्टेमरिंग करना काफी बेकार तरीके से फोर्सफुल ऐसा नजर आता है वो वर्क नहीं कर पाता है पूरी जगन्नाथ अपने फिल्मों में हीरो के किरदार को एलिवेट करने के लिए जाने जाते जहाँ पे इस फिल्म में वो पूरी तरह से फेल होते हैं। माइक टाइसन का यूज प्रॉपर वे में नहीं किया हुआ स्टोरी के एंड में उनको लाया हुआ जिस तरह से उनका किरदार लिखा हुआ है उसको काफी सिली मैनर में लिखा हुआ था फिल्म में जो डायलॉग सुनने को मिलता है जो इमोशंस देखने को मिल रहा है वो पूरी तरह से मिसिंग नजर आता है स्पोर्ट्स ड्रामा जिस तरह से उन्होंने क्रिएट किया हुआ था वहां पे कोई फ्रेशनेस नजर नहीं आते फिल्म की कहानी को जिस तरह से हैंडल किया हुआ है वो भी रूटीन नजर आता है फिल्म में जितने भी ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलता है जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है वो कोई भी किसी भी प्रकार का इम्पेक्ट का ऑडियंस में क्रिएट नहीं कर पाता है फिल्म में बहुत ही कम ऐसे मोमेंट नजर आएंगे जो आपको हाई लगेंगे इसके अलावा जो कॉमेडी है जो एक पेट्रोटिक का डायलॉग है वो उतने कुछ खास उन्होंने क्रिएट नहीं किए जिसकी वजह से मास ऑडियंस इन सभी चीज़ों से अट्रैक्ट हो पाती ऑन एन होल कह सकते हैं कि लाइगर एक ऐसी फिल्म है जिसकी जो हाइप क्रिएट हुई थी उसके हिसाब से वो नहीं जा पाती है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करती हुई नजर आती है फिल्म की कहानी भी वर्थ इन स्टोरीलाइन थी ऐसा बोल सकते हैं स्टमरिंग का जो विजय का एक था जिस तरह से प्रोसीडिंग को फटाफट निपटाया हुआ है वो सभी चीजें फिल्म के ट्रॉपिक में आती है

इंडिया लेवल पे रिलीज किया गया था पे टोटल पांच लैंग्वेज थी जिसमें हिंदी तमिल तेलुगु, कन्नडा और मलयालम लैंग्वेज शामिल थी इस फिल्म को जब रिलीज किया गया एक बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी 9 सितंबर 2021 को एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी ये फिल्म सॉरी जनवरी 2021 में अनाउंसमेंट हुई थी ये फिल्म सितंबर 2021 में आएगी 9 सितंबर 2021 में लेकिन प्रोडक्शन डिले होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 25 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया जहां पर फिल्म के जो थिएट्रिकल राइट्स थे वो करीबन इक्यासी करोड़ में बेचे गए थे और विजय देव और कोंडा ने अपने करियर में जितनी भी फिल्में की हुई है उसमें सबसे ज्यादा राइट्स बिकने वाली फिल्म साबित हुई थी हालांकि लाइगर तक जितनी भी उन्होंने फिल्में की हुई थी उसमें सबसे महंगी फिल्म लाइगर ही थी करीबन सो सवा सो करोड़ का बजट था इस फिल्म के जो सेटेलाइट ओ टी राइट्स थे उसको भी काफ़ी भरे भारी रकम में बेचा गया था म्यूजिक राइट्स को भी काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया था तो ओवरऑल मेकर्स ने काफ़ी सारा प्रॉफिट जरूर किया होगा भले थिएटर में फिल्म प्रॉपर वर्क नहीं करी है लेकिन जिस तरह से बॉक्स ऑफिस के अलावा इस फिल्म ने दूसरा जो कलेक्शन करके दिखाया हुआ है सेटेलाइट और म्यूजिक डिपार्टमेंट से वो काबिल तारीफ है वहाँ पे ये फिल्म आसानी से प्रॉफिटेबल वेंचर साबित होती है अदरवाइज थिएट्रिकल रन के हिसाब से देखे तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी

इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से इस फिल्म को यानी कि लाइगर फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे लाइगर जो 2022 की इंडियन स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है इस फिल्म को तेलगू और हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया था इसके अलावा तमिल मलयालम और कन्नड़ा ये तीन वर्जन में फिल्म को डब किया गया है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो पूरी जगन्नाथ का था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें पूरी जगन्नाथ ने खुद की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि पूरी जगन्नाथ वो खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे उनके साथ करण जौहर थे चार्मिक और अपूर्वा मेहता और हीरो यश जौहर ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे इस फिल्म को करीबन सो से सवा सौ करोड़ के बजट के आसपास का बनाया गया था यानी कि एक हाई बजट फिल्म थी जिसके लीड रोल में थे ननद देन विजय देवरकोंडा उनके अपोजिट कास्ट किए गए थे अनन्या पांडे को इनके अलावा रम्या कृष्णन रोनित रॉय विशु रेड्डी अली मकरंदेश पांडे गेटअप गेटअप्रीनो चंकी पांडे और माइक टाइसन आपको इस फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहां पे माइक टाइस ने इस फिल्म में क्लाइमेक्स में एक, एक एक्सटेंडेड कैमियो अपीरेंस दिया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो सिनेमेटोग्राफी की हुई विष्णु शर्मा ने एडिटिंग की हुई सिद्दीकी ने जिन्होंने इस फिल्म को मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे मिनट देखने को मिलेगी जिसके म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है सुनील कश्यप ने जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और इसको कंपोज किया हुआ था जिसके अलावा जो सॉन्ग्स थे उसको कंपोज अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने किया हुआ था फिल्म में टोटल आठ गाने हैं जिसको हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था दूसरे तो लैंग्वेज में रिक्रिएट किया गया था जिसके राइट से वो सोने म्यूजिक इंडिया को अच्छी प्राइस में बेचे गए थे तो ये सभी गाने फिलहाल में सोने म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी लैंग्वेज में सुनने को मिल जाएंगे मिलकर इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज में किया हुआ था। वैसे अलग अलग, अलग, -अलग डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था कुछ वर्ड्स को म्यूट किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन और पूरी कनेक्शन ने इस फिल्म को करीबन सवा सौ करोड़ के बजट के साथ बना के रिलीज किया हुआ था इस फिल्म की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत करें तो प्री प्रोडक्शन शुरुआत करते है विजय देवरकोंडा जो इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे हैं तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद उनको कुछ ट्रेनिंग के लिए थाईलैंड भेजा गया था जहां पे उनके फिजिकल परफॉर्मेंस के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की गई थी इसके अलावा वो एक हकलाते हुए बोलने वाले कीक बॉक्सर थे तो उसके लिए भी उनको ट्रेनिंग दी गई थी इस फिल्म में उनके अपोजिट पहले जानवी कपूर होने वाली थी लेकिन उनके पास काफी सारी ऐसी फिल्में थी जिसकी डेट इस फिल्म के साथ मैच हो रही थी जिसके चलते बाद में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और बाद में इस फिल्म को अनन्या पांडे को ऑफर किया गया था जिन्होंने इस फिल्म को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था इस फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है वो पहले मनीष शर्मा देने वाले थे लेकिन उसके बाद में चेंज किया गया जहां पे इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो दोनों मनीष शर्मा ही कंपोज करने वाले थे लेकिन बाद में सॉन्ग्स के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर को चूज किया गया वहीं पे बैकग्राउंड के लिए चूज किया गया था सुनील कश्यप को तो इस तरह से म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर काम किया गया था सेप्टेम्बर दो को एक ऑफिशियल अपडेट आई हुई थी कि बॉक्सर माइक टाइसन जो इस फिल्म में एक एक्सटेंडेड कैमियो अपीरेंस देने वाले जिनका इंडियन सिनेमा में एक्टिंग डेब्यू होने वाला है इसके अलावा इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो 20 जनवरी 2020 को इस फिल्म की गई शेड्यूल चला था जहां पे प्रोडक्शन को बाद उसके बाद में इस फिल्म को काफी लंबे समय के बाद करीबन फरवरी दो में स्टार्ट किया गया था तो इतने लंबे अंतराल के बाद फिल्म का सेकंड शेड्यूल है उसको हैदराबाद में शूट किया गया था वहीं पे अप्रैल 2021 में सभी चीजें प्रोडक्शन के डिले होने की वजह से सेकंड वेव की वजह से बार बार फिल्म रिज्यूम और पोज हो रही थी उसके बाद में फिल्म के कास्ट और क्रू ने इस फिल्म की शूटिंग को सितंबर 2021 में रिज्यूम किया हुआ था नवंबर 2021 में कास्ट और क्रू ने लास वेगास में एक शूटिंग रखी हुई थी छोटा थोट सा पोर्सन था जहाँ पे माइक टाइसन के साथ विजय देवरकोंडा का एक फाइट सीक्वेंस और ओवरऑल एक उनका जो क्लाइमेक्स में एक्सटेंडेड के में था माइक टाइसन का वो वहाँ पे शूट क्या हुआ था इस फिल्म के शूटिंग को पूरी तरह से फरवरी 2022 तक कंप्लीट करवाया गया था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो गानों को हिंदी तेलुगू लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था बाकी सभी वर्जन में रिक्रिएट किया गया था डब किया गया था ऐसा कह सकते हैं इन गानों को में रिकॉर्ड किया गया था, जिसके राइट्स सोनी म्यूजिक इंडिया के पास और अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के पास इस फिल्म के गानों को गवाया गया था, गया था। लिरिक्स लिखे हुए फरहादिडीवा ने म्यूजिक दिया विक्रम मोन्तरो ने थे फरहाद फरहादिवीवाला वहीं पे इस फिल्म का दूसरा गाना यानी कि अकड़ी पकड़ी जिसके लिरिक्स लिखे मोहसिन शेख अजीम दयानी ने

आठ गाना मेरा बनेगा तो जिसके लिरिक्स लिखे कुणाल वर्मा ने म्यूजिक दिया है तनिष्क भाटी और गाया हुआ है लक्ष्य कपूर ने तो इस तरह से टोटल आठ गाने थे जिसकी लेंथ है 22 मिनट 6 सेकंड इन सभी गानों को तेलुगु तमिल कन्नडा और मलयालम इन सभी वर्जन में क्रिएट किया गया था सभी गानों के जो राइट्स है सभी वर्जन के वो सोनी म्यूजिक इंडिया के ही पास है तो हिंदी वर्जन के गाने वो सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में वहीं पे तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम वर्जन के जो गाने हैं वो सभी गाने सोनी म्यूजिक साउथ के ऊपर यूट्यूब पे ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे तो इस तरह से सभी गाने अलग अलग लैंग्वेजेस में आप फ्री में ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की के कास्ट के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर उसके बाद कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे इस फिल्म का जो टाइटल किरदार है लाइगर उसका प्ले किया हुआ है विजय देवरकोंडा ने तानिया पांडे वो रोल प्ले कर रहे अनन्या पांडे रम्या कृष्णन ने बालमणि का रोल प्ले किया हुआ है रोनित रॉय को क्रिस्टोफर का रोल दिया गया था जो एम के कोच थे विष्णु रेड्डी ने इस फिल्म में संजू पांडे का रोल प्ले किया हुआ है अली ने इस फिल्म में अली भाई का रोल प्ले किया हुआ है मकर देश पांडे ने एक बोले तो मोहल्ले का एक वसूली वाला जो रोल था वो उनको दिया गया था लेकिन कैरेक्टर का नाम नहीं दिया हुआ था गेटअप्रीनो ने गणपत का रोल प्ले किया हुआ था चंकी पांडे ने ऐसे पांडे यानी कि तन्या और संजू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है माइक टैसन आपको इस फिल्म में मार्क हेंडरसन के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने इस फिल्मेंडेड दिया हुआ है कहानी के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं लाइगर यानी कि विजय देवर कोंडा उनका एक ही सपना है कि वो नेशनल एमएमए चैंपियनशिप जीते और वो और उनकी माँ यानी कि रम्या कृष्णन दोनों इस सपने को फुलफिल करने के लिए मुंबई आ जाते लाइगर को ट्रेनिंग के लिए एमएमए में जाना और जाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए और वो ट्रेनिंग एक ही आदमी दिलवा सकता है जहां पे उसका नाम है नन क्रिस्टोफर अब इनके बीच में एक आ जाती है अनन्या पांडे नाम की लड़की जो लाइगर यानी कि विजय देवर कोंडा से प्यार करने लगती है जिसका नाम है तानिया वो एक पैसे वाले की लड़की है लेकिन आगे जाते कुछ ऐसा ट्विस्ट क्रिएट होता है जिसके चलते वो लड़की उसके ऊपर चीट कर देती है अब बाकी की कहानी यही है कि अब वो दिल टूटा आशिक लाइगर किस तरह से अपना कमबेक करेगा किस तरह से इंटरनेशनल एमएमए चैंपियनशिप जीतता है वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है अब हम बात करें इस फिल्म के प्लस पॉइंट्स की तो विजय देवरकोंडा ने इस फिल्म में काफी बढ़िया काम किया हुआ है उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको जरूर पसंद आएगा जिस तरह से वो कर थे वो काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल किया हुआ है सेकंड हाफ में खास करके अच्छी तरह से उन सभी चीजों को हैंडल किया हुआ था अनन्या पांडे ने अपने रोल में जितना भी काम था उसमें जो एक रिच गर्ल वाला किरदार था उस वैसे फिल्म की कहानी के साथ उतना कुछ खास लेन देन नहीं था लेकिन जो भी किरदार था उसमें वो ठीक ठाक नजर आ रही थी अली ने डिसेंट वे में अपना रोल प्ले किया हुआ है रोल रोल ही बोल सकते हैं हैं श्रीनो अपने रोल के साथ थोड़ी बहुत कॉमेडी करते हुए नजर आते रम्या कृष्णा ने विजय देवर कोंडा की मां के रोल में काफी बढ़िया काम किया हुआ है उनके इमोशंस को उन्होंने बढ़िया तरीके से कन्वे किया हुआ है रोनित रोय एक इम्प्रेसिव कोच का रोल प्ले करते हुए नजर आते काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने डिलीवर किया हुआ है वो रोल माइक टाइसन ने इस फिल्म में कैमियो अपीरेंस दिया हुआ है इस फिल्म के एंड में उनका सीक्वेंस आता है जहाँ पे उनके विजय देवरकोंडा के साथ जितने भी सीन्स क्रिएट किया हुए उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ है एमएमए फाइट सीक्वेंस फाइट को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ था वो कोरियोग्राफर की तारीफ करनी पड़ेगी काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी एक्शन ब्लॉक को उन्होंने स्टाइलिश तरीके से क्रिएट किया हुआ था इस फिल्म में आपको विजय देवरकोंडा जो स्टेमरिंग वाला एक एक्ट करते हुए नजर आते तो कुछ हद तक तो आपको वो पसंद आता है। लेकिन धीरे धीरे वो स्टेमरिंग काफी ज्यादा हो जाता है जिस वजह से जो डायलॉग फ्री फ्लो के साथ बोलने चाहिए थे जिसकी वजह से वो डायलॉग इम्पोर्टेंट में जगह पे जो एक इम्पेक्ट पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ पाता है वहां पे पूरी जगन्नाथ की थोड़ी वो गलती थी अगर वो डिसबिलिटी वाला किरदार ना लिखते तो भी चल जाता क्योंकि इस किरदार में मास अवतार का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो काफी डल तरीके से दिखाया जाता है अदरवाइज रखते भी तो भी स्टेमरिंग का जो पोर्सन था उसको थोड़ा शॉर्ट रखना था यानी कि काफी ज्यादा हकलाए हुए बताए हुए अगर थोड़ा कम रहता तो थोड़ा और बेहतर होता इस फिल्म की कहानी काफी छोटी है, कुछ -कुछ है कोई प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है फिल्म में हीरो की जर्नी भी कुछ ऐसी पकाई हुई नज़र आती है लव स्टोरी को फोर्सफुल सभी चीजें कुछ खास इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रही थी फिल्म का पहले हाफ में स्टोरी को थोड़ा डिसेंट वे में हैंडल करने की कोशिश की हुई है जहाँ पे कुछ गाने सुनने को मिलते जो डिसेंट थे लेकिन सेकंड हाफ जिस तरह से दिखाया हुआ है वो पूरा लोजिकलेस नजर आता है जहां पे विजय की जो जर्नी है यूएस तक की दिखाई गई है जिस तरह से वो फेमस होता है उसको सभी चीजों को दिखाया हुआ है वो थोड़ा ओवर नजर आता है इसके अलावा इस फिल्म में जो इमोशनल कनेक्शन दिखाने की कोशिश की हुई वो पूरी तरह से डिसअपॉइंट करता हुआ नजर आता है इस फिल्म में जो ट्विस्ट दिखाया हुआ है अन्य पांडे को लेकर वो पूरी तरह से सिली नजर आता है

जिस तरह से पूरी जगन्नाथ ने क्रिएट किया हुआ है वो काफी डिसअपॉइंटिंग नजर आता है उनके किरदार की बात कर रहा हूँ टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफी नीट रखी गई थी कैमरा वर्क फिल्म का अच्छा था म्यूजिक डिपार्टमेंट में हिंदी गाने कुछ ठीक ठाक नजर आ रहे थे लेकिन वो गाने उतना कुछ खास नहीं डाल रहे 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 थे थे फिल्म की कहानी को रोक हो ऐसा नजर आ रहे थे, कुछ गानों की जरूरत भी नहीं थी फिल्म का उतना कुछ खास नहीं था थोड़ा और बेटर वे में क्रिएट किया जा सकता था प्रोडक्शन डिजाइन का यूज थोड़ा बेटर वे में कर सकते थे प्रोडक्शन डिजाइन बेहतर वे में की जा सकती थी डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ ने इस फिल्म में पूरी तरह से जो हाइप क्रिएट हुई थी उसके ऊपर जी नहीं पाते वो जिस तरह से कहानी को लिखे उसको जिस तरह से नेरेट किए वो जिस तरह से लीड एक्टर का जो किरदार लिखा हुआ था वो सभी चीजें क्लियरली नजर आता है कि जल्दबाजी में निपटाई हुई ऐसा नजर आ रहा था कुछ भी फिल्म की कहानी के साथ सही नहीं जा रहा था हीरो को स्टैमरिंग करना काफी बेकार तरीके से फोर्सफुल एड किया हुआ ऐसा नजर आता है वो वर्क नहीं कर पाता है पूरी जगन्नाथ अपने फिल्मों में हीरो के किरदार को एलिवेट करने के लिए जाने जाते जहाँ पे इस फिल्म में वो पूरी तरह से फेल होते हैं माइक टाइसन का यूज़ प्रॉपर वे में नहीं किया हुआ स्टोरी के एंड में उनको लाया हुआ है जिस तरह उनका किरदार लिखा हुआ उसको काफ़ी सिली मैनर में लिखा हुआ था फिल्म में जो डायलॉग सुनने को मिलता है जो इमोशंस देखने को मिल रहा है वो पूरी तरह से मिसिंग नजर आता है जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, को मिलता है वो कोई भी किसी भी प्रकार का इम्पेक्ट का ऑडियंस में क्रिएट नहीं कर पाता है फिल्म में बहुत ही कम ऐसे मोमेंट नजर आएंगे जो आपको हाई लगेंगे इसके अलावा जो कॉमेडी है जो एक पेट्रोटिक डायलॉग है वो उतने कुछ खास उन्होंने क्रिएट नहीं किए जिसकी वजह से, 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 कि से वो नहीं जा पाती है वो काफी ज्यादा हुई नजर आती है फिल्म की कहानी वेफर थी स्टोरी लाइन थी ये सब बोल सकते का जो विजय का एक था जिस तरह से प्रोसीडिंग को फटाफट निपटाया हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म के ड्रॉबैक में आती है इसके अलावा इस फिल्म में कुछ मास मोमेंट देखने को मिलते हैं जो, है। जो आपको देवर कोंडा ने पूरी तरह से हैंडल करने की कोशिश की ऊपर बचा नहीं पाती है अब हम बात करें इस फिल्म को देखना चाहिए कब पे किसे देखने को मिलेगी रिलीज डेट क्या थी वो सभी चीजों के ऊपर 25 अगस्त 2022 को इस फिल्म को एक मिनट के रन टाइम के साथ यूएस सर्टिफिकेट के साथ थिएटर में इंडिया लेवल पे रिलीज किया गया था जहां पे टोटल पांच लैंग्वेज थी जिसमें हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा और मलयालम लैंग्वेज शामिल थी इस फिल्म को जब रिलीज किया गया एक बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी 9 सितंबर 2021 को एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी कि ये फिल्म सॉरी जनवरी 2021 में अनाउंसमेंट हुई थी ये फिल्म सितंबर 2021 में आएगी 9 सितंबर 2021 में लेकिन प्रोडक्शन डिले होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 25 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया जहां पर फिल्म के जो थिएट्रिकल राइट्स थे वो करीबन इक्यासी करोड़ में बेचे गए थे और विजय देवर कोंडा ने अपने करियर में जितनी भी फिल्में की हुई है उसमें सबसे ज्यादा राइट्स बिकने वाली फिल्म साबित हुई थी हालांकि लाइगर तक जितनी भी उन्होंने फिल्में की हुई थी उसमें सबसे महंगी फिल्म लाइगर ही थी करीबन सो सवा सौ करोड़ का बजट था इस फिल्म के जो सैटेलाइट ओटीटी राइट्स थे उसको भी काफी भारी भारी रकम में बेचा गया था म्यूजिक राइट्स को भी काफी बड़ी रकम में बेचा गया था तो ओरल मेकर्स ने काफी सारा प्रॉफिट जरूर किया होगा भले थिएटर में फिल्म प्रॉपर वर्क नहीं करी है लेकिन जिस तरह से बॉक्स ऑफिस के अलावा इस फिल्म ने दूसरा जो कलेक्शन करके दिखाया हुआ है सैटेलाइट ओटीटी और, और म्यूजिक डिपार्टमेंट से इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था एम डी बी पे करीबन फिल्म को चौवालीस हजार वोट मिले हुए थे जिसमे तीन पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है की यह फिल्म ऑडियंस ने किस तरह से नकार दी थी लेकिन उसके बावजूद भी इस फिल्म को जब ओटी टी पे रिलीज किया गया तब एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस फिल्म के ओ टी टी और स्टार नेटवर्क के पास है जहां पे उन्होंने डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर इस फिल्म को ओटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश विद सब्सक्रिप्शन तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे सेटेलाइट चैनल स्टार और स्टार गोल्ड टू के ऊपर ये फिल्म आपको देखने को मिलेगी स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में लाइगर के नाम से प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि प्लस Star -Gol, Star -Gol, के ऊपर लाइगर फिल्म आपको देखने को मिलेगी तमिल तेलुगु कन्नडा और मलयालम वर्जन में हिंदी वर्जन के साथ इसके अलावा इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से इस फिल्म को यानी कि लाइगर फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे लाइगर जो 2022 की इंडियन स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है इस फिल्म को तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया था इसके अलावा तमिल मलयालम और कन्नड़ा ये तीन वर्जन में फिल्म को डब किया गया है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो पूरी जगन्नाथ का था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें पूरी जगन्नाथ ने खुद की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इस फिल्म के डायरेक्टर कि जगन्नाथ वो खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे इस फिल्म को, को करीबन सो से सवा सो करोड़ के बजट के आसपास का बनाया गया था यानी कि एक हाई बजट फिल्म थी जिसके लीड रोल में थे नन दिन विजय देवरकोंडा उनके अपोजिट कास्ट की गई थी अनन्या पांडे को इनके अलावा रम्या कृष्णन रोनित रॉय रेड्डी अली मकरंदेश पांडे श्रीनु चंकी पांडे और माइक टाइसन आपको इस फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहां पे माइक टाइस ने इस फिल्म में क्लाइमैक्स में एक एक्सटेंडेड कैमियो अपरस दिया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो सिनेमाटोग्राफी किए विष्णु शर्मा ने एडिटिंग जुनेद सिद्दीकी ने जिन्होंने दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे मिनट देखने को मिलेगी जिसके म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है सुनील कश्यप ने जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और इसको कंपोज किया हुआ था जिसके अलावा जो सॉन्ग थे उसको कंपोज अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने किया हुआ था फिल्म में टोटल आठ गाने हैं जिसको हिंदी और तेलगु लैंग्वेज में बनाया गया था दूसरे लैंग्वेज में रिक्रिएट किया गया था जिसके राइट से वो सोने म्यूजिक इंडिया को अच्छी प्राइस में बेचे गए थे तो ये सभी गाने फिलहाल में सोने म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी लैंग्वेज में सुनने को मिल जाएंगे इसके अलावा इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो ए फिल्म और श्री के सिनेमाज ने मिलकर इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था वैसे अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था कुछ वर्ड्स को म्यूट किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन और पूरी कनेक्शन ने इस फिल्म को करीबन सवा सौ करोड़ के बजट के साथ बना के रिलीज किया हुआ था इस फिल्म की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत करें तो प्री प्रोडक्शन शुरुआत करते है विजय देवरकोंडा जो इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद उनको कुछ ट्रेनिंग के लिए थाईलैंड भेजा गया था जहां पे उनके फिजिकल परफॉर्मेंसेस के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की गई थी इसके अलावा वो एक हकलाते हुए बोलने वाले कीक बॉक्सर थे तो उसके लिए भी उनको ट्रेनिंग दी गई थी इस फिल्म में उनके अपोजिट पहले जानवी कपूर होने वाली थी लेकिन उनके पास काफी सारी ऐसी फिल्में थी जिसकी डेट इस फिल्म के साथ मैच हो रही थी जिसके चलते बाद में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और बाद में इस फिल्म को अनन्या पांडे को ऑफर किया गया था जिन्होंने इस फिल्म को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था इस फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है वो पहले मनीष शर्मा देने वाले थे लेकिन उसके बाद में चेंज किया गया जहा पे इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो दोनों मनीष शर्मा ही कंपोज करने वाले थे लेकिन बाद में सॉन्ग्स के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर को चूज किया गया वहीं पे बैकग्राउंड के लिए चूज किया गया था सुनील कश्यप को तो इस तरह से म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर काम किया गया था सेप्टेम्बर दो को एक ऑफिशियल अपडेट आई हुई थी कि बॉक्सर माइक टाइसन जो इस फिल्म में एक एक्सटेंडेड कैमियो अपस देने वाले जिनका इंडियन सिनेमा में एक्टिंग डेब्यू होने वाला है इसके अलावा इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो 20 जनवरी 2020 को इस फिल्म की फिल्मिंग स्टार्ट की गई थी जब टेंटेटिव टाइटल रखा गया था फाइटर 40 दिनों का एक लंबा शेड्यूल चला था जहां पे प्रोडक्शन को बाद में मार्च 2020 में रोकना पड़ा था कोविड 19 की वजह से और उसके बाद में इस फिल्म को काफी लंबे समय के बाद करीबन फरवरी दो में स्टार्ट किया गया था तो इतने लंबे अंतराल के बाद फिल्म का सेकंड शेड्यूल है उसको हैदराबाद में शूट किया गया था वहीं पे अप्रैल 2021 में सभी चीजें प्रोडक्शन के डिले होने की वजह से सेकंड वेव की वजह से बार बार फिल्म रिज्यूम और पोज हो रही थी उसके बाद में फिल्म के कास्ट और क्रू ने इस फिल्म की शूटिंग को सितंबर 2021 में रिज्यूम किया हुआ था नवंबर 2021 में कास्ट और क्रू ने लास वेगास में एक शूटिंग रखी हुई थी छोटा थोट सा पोर्सन था जहाँ पे माइक टाइसन के साथ विजय देवरकोंडा का एक फाइट सीक्वेंस और ओवरऑल एक उनका जो क्लाइमेक्स में एक्सटेंडेड गेम अपीरेंस था माइक टैसन का वो वहाँ पे शूट किया हुआ था इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से फरवरी 2022 तक कंप्लीट करवाया गया था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो गानों को हिंदी तेलुगू लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था बाकी सभी वर्जन में रिक्रिएट किया गया था डब किया गया था ऐसा कह सकते हैं इन गानों को 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था जिसके तो लाइगर हंट थीम जिसके लिरिक्स लिखे हुए फरहादीवाला ने म्यूजिक दिया विक्रम मोह्रोसे ने सिंगर थे फरहादिडीवाला वहीं पे इस फिल्म का दूसरा गाना यानी कि अकड़ी पकड़ी जिसके लिरिक्स लिखे हुए मोहसिन शेख अजीम दयानी ने

आठवां गाना मेरा बनेगा तो जिसके लिरिक्स लिखे कुणाल वर्मा ने म्यूजिक दिया है तनिष भाटी और गाया हुआ है लक्ष्य कपूर ने तो इस तरह से टोटल आठ गाने थे जिसकी लेंथ है 22 मिनट 6 सेकंड इन सभी गानों को तेलुगु तमिल कन्नडा और मलयालम इन सभी वर्जन में क्रिएट किया गया था सभी गानों के जो राइट्स है सभी वर्जन के वो सोनी म्यूजिक इंडिया के ही पास है तो हिंदी वर्जन के गाने वो सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में वहीं पे तेलुगु <सी> तमिल कन्नड़ा मलयालम वर्जन के जो गाने हैं वो सभी गाने सोनी म्यूजिक साउथ के ऊपर यूट्यूब पे ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे तो इस तरह से सभी गाने अलग अलग लैंग्वेजेस में आप फ्री में ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कास्ट के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर उसके बाद कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे इस फिल्म का जो टाइटल है लाइगर उसका वो प्ले किया हुआ विजय टाइटलोंडा ने पांडे वो रोल प्ले कर रहे अनन्या पांडे रम्या कृष्णन ने बालमणी का रोल प्ले किया हुआ है रोनित रॉय को क्रिस्टोफर का रोल दिया गया था जो एमएमए के कोच थे विष्णु रेड्डी ने इस फिल्म में संजू पांडे का रोल प्ले किया हुआ है अली ने इस फिल्म में अली भाई का रोल प्ले किया हुआ है मकरंद देश पांडे ने

और वो और उनकी माँ यानी कि रम्या कृष्णन दोनों इस सपने को फुलफिल करने के लिए मुंबई जाते हैं। लाइगर को ट्रेनिंग के लिए एम में जाना और जाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए और वो ट्रेनिंग एक ही आदमी दिलवा सकता है जहां पे उसका नाम है ननद्देन दे क्रिस्टोफर अब इनके बीच में एक आ जाती है अनन्या ना पांडे नाम की लड़की जो लाइगर यानी कि विजय देवर कोंडा से प्यार करने लगती है जिसका नाम है तानिया वो एक पैसे वाले की लड़की है लेकिन आगे जाते कुछ ऐसा ट्विस्ट क्रिएट होता है जिसके चलते वो लड़की उसके ऊपर चीट कर देती है अब बाकी की कहानी यही है कि अब वो दिल टूटा आशिक लाइगर किस तरह से अपना कम करेगा किस तरह से इंटरनेशनल एम एम जीतता है वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है अब हम बात करें इस फिल्म के प्लस पॉइंट्स की तो विजय देवरकोंडा ने इस फिल्म में काफी बढ़िया काम किया हुआ है उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको जरूर पसंद आएगा जिस तरह से वो कर थे वो काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल किया हुआ है सेकंड हाफ में खास करके अच्छी तरह से उन सभी चीज़ों को हैंडल किया हुआ था अनन्या पांडे ने अपने रोल में जितना भी काम था उसमें जो एक रिच गर्ल वाला किरदार था उस किरदार का वैसे फिल्म की कहानी के साथ उतना कुछ खास लेन नहीं था लेकिन जो भी किरदार था उसमें वो ठीक ठाक नजर आ रही थी अली ने डिसेंट वे में अपना रोल प्ले किया हुआ है उनका एक रोली बोल सकते हैं अपने रोल के साथ थोड़ी बहुत कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं रम्या कृष्णा ने विजय देवर कोंडा की मां के रोल में काफी बढ़िया काम किया हुआ है उनके इमोशंस को उन्हें बढ़िया तरीके से कन्वे किया हुआ है रोनित रोई एक इम्प्रेसिव कोच का रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने डिलीवर किया हुआ है वो रोल माइक टाइसन ने इस फिल्म में कैमरा अपीयरेंस दिया हुआ है इस फिल्म के एंड में उनका सिक्वेंस आता है जहाँ पे उनके विजय देवर कोंडा के साथ जितने भी सीन्स क्रिएट किया हुआ है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ है एमएमए फाइट सीक्वेंस में को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ था वो कोरियोग्राफर की तारीफ करनी पड़ेगी काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी एक्शन ब्लॉक को उन्होंने स्टाइलिश तरीके से, से क्रिएट किया हुआ था इस फिल्म में आपको विजय जो वाला एक एक्ट करते हुए नजर हैं तो कुछ हद तक तो आपको वो पसंद आता है लेकिन धीरे धीरे वो स्टेमरिंग काफी ज्यादा हो जाता है जिस वजह से जो डायलॉग फ्री फ्लो के साथ बोलने चाहिए थे जिसकी वजह से वो डायलॉग डिलीवरी की इम्पोर्टेंट में जगह पे जो एक इम्पेक्ट पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ पाता है वहाँ पे पूरी जगन्नाथ की थोड़ी वो गलती थी अगर वो डिसेबिलिटी वाला किरदार ना लिखते तो भी चल जाता क्योंकि इस किरदार में मांस अवतार का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो काफी डल तरीके से दिखाया जाता है अदरवाइज रखते भी तो भी स्टेमरिंग का जो पोर्सन था उसको थोड़ा शॉर्ट रखना था यानी कि काफी ज्यादा हकलाए हुए बताए हुए अगर थोड़ा कम रहता तो थोड़ा और बेहतर होता इस फिल्म की कहानी काफी छोटी है स्टोरी लाइन कुछ कुछ बड़ा नहीं है, नहीं है है कोई प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट फिल्म में हीरो की जर्नी भी कुछ ऐसी पकाई हुई नज़र आती है लव स्टोरी को फोर्सफुल सभी चीजें कुछ खास इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रही थी फिल्म का पहले हाफ में स्टोरी को थोड़ा डिसेंट वे में हैंडल करने की कोशिश की हुई है जहाँ पे कुछ गाने सुनने को मिलते जो डिसेंट थे लेकिन सेकंड हाफ जिस तरह से दिखाया हुआ है वो पूरा लॉजिकलेस नजर आता है जहां पे विजय की जो जर्नी है यूएस तक की दिखाई गई है जिस तरह से वो फेमस होता है उसको सभी चीजों को दिखाया हुआ है वो थोड़ा ओ दी टॉप नजर आता है इसके अलावा इस फिल्म में जो इमोशनल कनेक्शन दिखाने की कोशिश की हुई है वो पूरी तरह से डिसअपॉइंट करता हुआ नजर आता है इस फिल्म में जो ट्विस्ट दिखाया हुआ है अनन्या पांडे को लेकर वो पूरी तरह से सीली नजर आता है उसको जरा भी ढंग से हैंडल नहीं किया हुआ था क्योंकि वो सभी चीजें प्रिडिक्टेबल थी फिल्म की कहानी पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल थी माँ का जो सेंटिमेंट दिखाया हुआ है उसको काफी लाउड दिखाया हुआ है वो प्रॉपर देव वाला नजर नहीं आता है वो कनेक्शन नहीं बैठ पाता है इसके अलावा इस फिल्म में काफ़ी सारे हाई मोमेंट देखने की हम एक्सपेक्टेशन रख रहे थे लेकिन वो एक्सपेक्टेशन पूरी फुलफिल नहीं हो पाती फुलफिल नहीं हो पाती है बाई चांस आपको एक आध कोई ऐसा हाई मोमेंट देखने को मिलेगा अदरवाइज विजय और कोंडा को जिस तरह से पूरी जगन्नाथ ने क्रिएट किया हुआ है वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग नज़र आता है उनके किरदार की बात कर रहा हूँ टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो प्रोडक्शन की कहानी को रोक रहे, हो, ऐसा नजर आ रहे थे कुछ गानों की जरूरत भी नहीं थी फिल्म का उतना कुछ खास नहीं था थोड़ा और बेटर वे में क्रिएट किया जा सकता था प्रोडक्शन डिजाइन का यूज थोड़ा बेटर वे में कर सकते थे प्रोडक्शन डिजाइन बेहतर वे में की जा सकती थी डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ ने इस फिल्म में पूरी तरह से जो हाइप क्रिएट हुई थी उसके ऊपर जी नहीं पाते वो जिस तरह से कहानी को लिखे उसको जिस तरह से नेरेट किए वो जिस तरह से लीड एक्टर का जो किरदार लिखा हुआ था वो सभी चीजें क्लियरली नजर आता है कि जल्दबाजी में निपटाई हुई ऐसा नजर आ रहा था कुछ भी फिल्म की कहानी के साथ सही नहीं जा रहा था हीरो को स्टैमरिंग करना काफी ऐसा नजर आता है, वो वर्क नहीं कर पाता है। पूरी जगन्नाथ अपने फिल्मों में का यूज प्रॉपर वे में नहीं किया हुआ स्टोरी के एंड में उनको लाया हुआ जिस तरह से उनका किरदार लिखा हुआ है उसको काफी सिली मैनर में लिखा हुआ था फिल्म में जो डायलॉग सुनने को मिलता है जो इमोशंस देखने को मिल रहा है वो पूरी तरह से मिसिंग नजर आता है स्पोर्ट्स ड्रामा जिस तरह से उन्होंने क्रिएट किया हुआ था वहाँ पे कोई फ्रेशनेस नज़र नहीं आते फिल्म की कहानी को जिस तरह से हैंडल किया हुआ है वो भी रूटीन नजर आता है फिल्म में जितने भी ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलता है जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है वो कोई भी किसी भी प्रकार का इम्पेक्ट का ऑडियंस में क्रिएट नहीं कर पाता है फिल्म में बहुत ही कम ऐसे मोमेंट नजर आएंगे जो आपको हाई लगेंगे इसके अलावा जो कॉमेडी है जो एक पेट्रोटिक डायलॉग है वो उतने कुछ खास उन्होंने क्रिएट नहीं किए जिसकी वजह से मास ऑडियंस इन सभी चीज़ों से अट्रैक्ट हो पाती ऑन इन होल कह सकते हैं कि लाइगर एक ऐसी फिल्म है जिसकी जो हाइप क्रिएट हुई थी उसके हिसाब से वो नहीं जा पाती है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करती हुई नज़र आती है फिल्म की कहानी वेफर थी स्टोरी लाइन थी ऐसा बोल सकते हैं डमरिंग का जो विजय का एक्ट था जिस तरह से प्रोसीडिंग को फटाफट निपटाया हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म के ड्रॉबैक में आती है

पे लेवल पे रिलीज किया गया था पांच लैंग्वेज थी जिसमें हिंदी तमिल तेलुगु, कन्डा और मलयालम लैंग्वेज शामिल थी इस फिल्म को जब रिलीज किया गया एक बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी 9 सितंबर 2021 को एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी कि ये फिल्म सॉरी जनवरी दो में अनाउसमेंट हुई थी कि ये फिल्म सेप्टेम्बर दो में आएगी नौ सेप्टेम्बर दो में लेकिन प्रोडक्शन डिले होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 25 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया जहां पर फिल्म के जो थिएट्रिकल राइट्स थे वो करीबन इक्यासी करोड़ में बेचे गए थे और विजय देवर कोंडा ने अपने करियर में जितनी भी फिल्में की हुई है उसमें सबसे ज्यादा राइट्स बिकने वाली फिल्म साबित हुई थी हालांकि लाइगर तक जितनी भी उन्होंने फिल्में की हुई थी उसमें सबसे महंगी फिल्म लाइगर ही थी करीबन सो सवा सो करोड़ का बजट था इस फिल्म के जो सैटेलाइट ओटीटी राइट्स थे उसको भी काफी भरे भारी रकम में बेचा गया था म्यूजिक राइट्स को भी काफी बड़ी रकम में बेचा गया था तो ओर मेकर्स ने काफी सारा प्रॉफिट जरूर किया होगा भले थिएटर में फिल्म प्रॉपर वर्क नहीं करी है लेकिन जिस तरह से बॉक्स ऑफिस के अलावा इस फिल्म ने दूसरा जो कलेक्शन करके दिखाया हुआ है सैटेलाइट ओटीटी और, और म्यूजिक डिपार्टमेंट से काबिल तारीफ है वहां पे ये फिल्म आसानी से प्रॉफिटेबल वेंचर साबित होती है अदरवाइज थिएट्रिकल रन के हिसाब से देखे तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चल रही थी जहां पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था एम पे करीबन फिल्म को चौवालिस वोट मिले हुए थे जिसमें तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म ऑडियंस ने किस तरह से नकार दी थी लेकिन उसके बावजूद भी इस फिल्म को जब ओ पे रिलीज किया गया तब एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है

देखने को मिलेगी तमिल तेलुगु कन्नड़ा और मलयालम वर्जन में हिंदी वर्जन के साथ इसके अलावा इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से इस फिल्म को यानी कि लाइगर फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे लाइगर जो 2022 की इंडियन स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है इस फिल्म को तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया था इसके अलावा तमिल मलयालम और कन्नड़ा ये तीन वर्जन में फिल्म को डब किया गया है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो पूरी जगन्नाथ का था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें पूरी जगन्नाथ ने खुद की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि पूरी जगन्नाथ वो खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे उनके साथ करण जौहर थे चार्मिक और अपूर्वा मेहता और हीरो यश जौहर ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे इस फिल्म को करीबन सौ से सवा सौ करोड़ के बजट के आसपास का बनाया गया था यानी कि एक हाई बजट फिल्म थी जिसके लीड रोल में थे कोंडा उनके अपोजिट कास्ट किए गए थे अनन्या पांडे को इनके अलावा रम्या कृष्णन रोनित रोई विशु रेड्डी अली मकरंदेश पांडे गेटअप श्रीनु चंकी पांडे और माइक टाइसन आपको इस फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं।

इसको कंपोज किया हुआ था जिसके अलावा जो सॉन्ग्स थे उसको कंपोज अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने किया हुआ था फिल्म में टोटल आठ गाने हैं जिसको हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था दूसरे लैंग्वेज में रिक्रिएट किया गया था जिसके राइट से वो सोनी म्यूजिक इंडिया को अच्छी प्राइस में बेचे गए थे तो ये सभी गाने फिलहाल में सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी लैंग्वेज में सुनने को मिल जाएंगे मिलकर इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज में किया हुआ था। वैसे अलग अलग, अलग, -अलग डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था कुछ वर्ड्स को म्यूट किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन और पूरी कनेक्शन ने इस फिल्म को करीबन सवा सौ करोड़ के बजट के साथ बना के रिलीज किया हुआ था इस फिल्म की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत करें तो प्री प्रोडक्शन शुरुआत करते है विजय देवर कोंडा जो इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद उनको कुछ ट्रेनिंग के लिए थाईलैंड भेजा गया था जहां पे उनके फिजिकल परफॉर्मेंसेस के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की गई थी इसके अलावा वो एक हकलाते हुए बोलने वाले की बॉक्सर थे तो उसके लिए भी उनको ट्रेनिंग दी गई थी इस फिल्म में उनके अपोजिट पहले जानवी कपूर होने वाली थी लेकिन उनके पास काफी सारी ऐसी फिल्में थी जिसकी डेट इस फिल्म के साथ मैच हो रही थी जिसके चलते बाद में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और बाद में इस फिल्म को अनन्या पांडे को ऑफर किया गया था जिन्होंने इस फिल्म को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था इस फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है वो पहले मनीष शर्मा देने वाले थे लेकिन उसके बाद में चेंज किया गया जहा पे इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो दोनों मनी शर्मा ही कंपोज करने वाले थे लेकिन बाद में सॉन्ग्स के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर को चूज किया गया वहीं पे बैकग्राउंड के लिए चूज किया गया था सुनील कश्यप को तो इस तरह से म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर काम किया गया था सेप्टेम्बर दो को एक ऑफिशियल अपडेट आई हुई थी कि बॉक्सर माइक टाइसन जो इस फिल्म में एक एक्सटेंडेड कैमियो अपस देने वाले जिनका इंडियन सिनेमा में एक्टिंग डेब्यू होने वाला है इसके अलावा इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो 20 जनवरी 2020 को इस फिल्म की फिल्मिंग स्टार्ट की गई थी जब टेंटेटिव टाइटल रखा गया था फाइटर 40 दिनों का एक लंबा शेड्यूल चला था जहां पे प्रोडक्शन को बाद में मार्च 2020 में रोकना पड़ा था कोविड 19 की वजह से और उसके बाद में इस फिल्म को काफी लंबे समय के बाद करीबन फरवरी दो में स्टार्ट किया गया था तो इतने लंबे अंतराल के बाद फिल्म का सेकंड शेड्यूल है उसको हैदराबाद में शूट किया गया था वहीं पे अप्रैल 2021 में सभी चीजें प्रोडक्शन के डिले होने की वजह से सेकंड वेव की वजह से बार-बार फिल्म रिज्यूम और पॉज हो रही थी उसके बाद में फिल्म के कास्ट और क्रू ने इस फिल्म की शूटिंग को सितंबर 2021 में रिज्यूम किया हुआ था नवंबर 2021 में कास्ट और क्रू ने लास वेगास में एक शूटिंग रखी हुई थी थोड़ा छोटा सा पोर्शन था जहां पे माइक टायसन के साथ विजय देवअरकोंडा का एक फाइट सीक्वेंस और ओवरऑल एक उनका जो क्लाइमेक्स में एक्सटेंडेड अपीयरेंस था माइक टैसन का वो वहां पे शूट किया हुआ था इस फिल्म के शूटिंग को पूरी तरह से फरवरी 2022 तक कंप्लीट करवाया गया था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो गानों को हिंदी तेलुगु लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था बाकी सभी वर्जन में रिक्रिएट किया गया था डब किया गया था ऐसा कह सकते हैं इन गानों को 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था जिसके राइट से सोनी म्यूजिक इंडिया के पास और अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के पास इस फिल्म के गानों को गवाया गया था सॉरी म्यूजिक दिलवाया गया था ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना है लाइगर हंड थीम जिसके लिरिक्स लिखे हुए फरहाद भिवनडीवाला ने म्यूजिक दिया हुआ विक्रम मोन्तरो ने सिंगर थे फरहाद फरहादिवीवाला वहीं पे इस फिल्म का दूसरा गाना यानी कि अकड़ी पकड़ी जिसके लिरिक्स लिखे हुए मोहसिन शेख अजीम दयानी ने जहाँ पे म्यूजिक दिया हुआ लिजो जोर्ज जो डीजे सुनील कश्यप ने सिंगर थे देव नेगी पवन पांडे और लिजो जॉर्ज तीसरा गाना है वाट लगा देंगे जिसके लिरिक्स पूरी जगन्नाथ जो फिल्म के डिरेक्टर है उन्होंने खुद लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था सुनील कश्यप ने और उसको गाया हुआ है विजय देवरकोंडा ने आफत वो गाना के लिरिक्स लिखे हुए रश्मि विराग ने सिंगर यानी कि म्यूजिक डायरेक्टर थे तनिष सिंगर थे सरा एस खान और तनिष बागची पांचवा गाना है कोका 2.0 जिसके लिरिक्स लिखे हुए जानी लीजो जोज जो ने म्यूजिक दिया हुआ था जानी लीजो जोज और चेतास जिसको गाया हुआ सुखे और लिसा मिश्रा ने छठा गाना है अटेक जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे फरहाद भिवंडीवाला ने म्यूजिक दिया हुआ है विक्रम मोन्तरो ने गाया हुआ है फरहाद भिवंडीवाला ने

सभी गानों के जो राइट्स है सभी वर्जन के वो सोनी म्यूजिक इंडिया के ही पास है तो हिंदी वर्जन के गाने वो सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में वहीं पे तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम वर्जन के जो गाने हैं वो सभी गाने सोनी म्यूजिक साउथ के ऊपर यूट्यूब पे ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे तो इस तरह से ये सभी गाने अलग अलग लैंग्वेजेस में आप फ्री में ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कास्ट के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर उसके बाद कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे इस फिल्म का जो टाइटल किरदार है लाइगर उसका प्ले किया हुआ विजय देवरकोंडा ने तानिया पांडे वो रोल प्ले कर रहे अनन्या पांडे रम्या कृष्णन ने बालमणी का रोल प्ले किया हुआ है रोनित रॉय को क्रिस्टोफर का रोल दिया गया था जो एमएमए के कोच थे विष्णु रेड्डी ने इस फिल्म में संजू पांडे का रोल प्ले किया हुआ है अली ने इस फिल्म में अली भाई का रोल प्ले किया हुआ है वकरंद देश पांडे ने एक बोले तो मोहल्ले का एक वसूली वाला जो रोल था वो उनको दिया गया था लेकिन कैरेक्टर का नाम नहीं दिया हुआ था गेटअप ऑफ ने गणपत का रोल प्ले किया हुआ था चंकी पांडे ने इस पांडे यानी कि तनिया और संजू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है माइक एसन आपको इस फिल्म में मार्क हेंडरसन के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने इस फिल्म एक एक्सटेंडेड दिया हुआ है कहानी के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं लाइगर यानी कि विजय देवरकोंडा उनका एक ही सपना है कि वो नेशनल एमएमए एम चैंपियनशिप जीते और वो और उनकी मां यानी कि रम्या कृष्णन दोनों इस सपने को फुलफिल करने के लिए मुंबई आ जाते लाइगर को ट्रेनिंग के लिए एम में जाना और जाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए और वो ट्रेनिंग एक ही आदमी दिलवा सकता है जहाँ पे उसका नाम है नाना दे क्रिस्टोफर अब इनके बीच में एक आ जाती अनन्या पांडे नाम की लड़की जो लाइगर यानी कि विजय माने म्यूजिक देवता ने इस बात और गाया हुआ है लक्ष्य कपूर ने तो इस तरह से टोटल आठ गाने थे जिसकी लेंथ है बाईस मिनट सेकंड इन सभी गानों को तेलुगु तमिल कन्नड़ा और मलयालम इन सभी वजन में क्रिएट किया गया था सभी गानों के जो राइट्स है सभी वर्जन के वो सोनी म्यूजिक इंडिया के ही पास है तो हिंदी वर्जन के गाने वो सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब के ऊपर सुनने को मिलेंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में वहीं पे तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम वर्जन के जो गाने हैं वो सभी गाने सोनी म्यूजिक साउथ के ऊपर यूट्यूब पे ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे तो इस तरह से सभी गाने अलग अलग लैंग्वेजेस में आप फ्री में ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की के कास्ट के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर उसके बाद कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे इस फिल्म का जो टाइटल किरदार है लाइगर उसका वो प्ले किया हुआ है विजय देवरकोंडा ने तानिया पांडे वो रोल प्ले कर रहे अनन्या पांडे रम्या कृष्णा ने बालमणि का रोल प्ले किया हुआ है रोनित रॉय को क्रिस्टोफर का रोल दिया गया था जो एम के कोच थे विष्णु रेड्डी ने इस फिल्म में संजू पांडे का रोल प्ले किया हुआ है अली ने इस फिल्म में अली भाई का रोल प्ले किया हुआ है वकरंद देश पांडे ने एक बोले तो मोहल्ले का एक वसूली वाला जो रोल था वो उनको दिया गया था लेकिन कैरेक्टर का नाम नहीं दिया हुआ था गेटअप ऑफ श्रीनो ने गणपत का रोल प्ले किया हुआ था चंकी पांडे ने पांडे यानी कि तनिया और संजू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है माइक टैसन आपको इस फिल्म में मार्क हेंडरसन के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने एक दिया हुआ है कहानी के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं लाइगर यानी कि विजय देवर कोंडा उनका एक ही सपना है कि वो नेशनल एमएमए चैंपियनशिप जीते और वो और उनकी माँ यानी कि रम्या कृष्णन दोनों इस सपने को फुलफिल करने के लिए मुंबई जाते हैं लाइगर को ट्रेनिंग के लिए एमएमए में जाना और जाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए और वो ट्रेनिंग एक ही आदमी दिलवा सकता है जहां पे उसका नाम है नन ना दे क्रिस्टोफर अब इनके बीच में एक आ जाती है अनन्या पांडे नाम की लड़की जो लाइगर यानी कि विजय देवर कोंडा से प्यार करने लगती है जिसका नाम है तानिया वो एक पैसे वाले की लड़की है लेकिन आगे जाते कुछ ऐसा ट्विस्ट क्रिएट होता है जिसके चलते वो लड़की उसके ऊपर चीट कर देती है अब बाकी की कहानी यही है कि अब वो दिल टूटा आशिक लाइगर किस तरह से अपना कम करेगा किस तरह से इंटरनेशनल एमएमए चैंपियनशिप जीतता है वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है अब हम बात करें इस फिल्म के प्लस पॉइंट्स की तो विजय देवरकोंडा ने इस फिल्म में काफी बढ़िया काम किया हुआ है उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको जरूर पसंद आएगा जिस तरह से वो स्टेमरकर थे वो काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल किया हुआ है सेकंड हाफ में खास करके अच्छी तरह से उन सभी चीजों को है हैंडल किया हुआ था अनन्या पांडे ने अपने रोल में जितना भी काम था उसमें जो एक रिच गर्ल वाला किरदार था उसके दर का वैसे फिल्म की कहानी के साथ उतना कुछ खास लेन देन नहीं था लेकिन जो भी किरदार था उसमें वो नजर आते रम्या कृष्णा ने विजय देवर कोंडा की मां के रोल में काफी बढ़िया काम किया हुआ है उनके इमोशंस को उन्हें बढ़िया तरीके से कन्वे किया हुआ है रोनीत रोय एक इम्प्रेसिव कोच का रोल प्ले करते हुए नजर आते काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने डिलीवर किया हुआ है वो रोल माइक टाइसन ने इस फिल्म के में अपीयरेंस दिया हुआ इस फिल्म के एंड में उनका सीक्वेंस आता है जहाँ पे उनके विजय देवर कोंडा के साथ जितने भी सीन्स क्रिएट किया हुआ है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ है एमएमए फाइट सीक्वेंस में को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ था वो कोरियोग्राफर की तारीफ करनी पड़ेगी काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी एक्शन ब्लॉक को उन्होंने स्टाइलिश तरीके से क्रिएट किया हुआ था इस आपको विजय जो वाला एक एक्ट करते हुए नजर आते हैं तो कुछ हद तक तो आपको वो पसंद आते हैं लेकिन धीरे धीरे वो स्टेमरिंग काफी ज्यादा हो जाता है जिस वजह से जो डायलॉग फ्री फ्लो के साथ बोलने चाहिए थे जिसकी वजह से वो डायलॉग डिलीवरी की इम्पोर्टेंट में जगह पे जो एक इम्पेक्ट पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ पाता है वहाँ पे पूरी जगन्नाथ की थोड़ी वो गलती थी अगर वो डिसेबिलिटी वाला किरदार ना लिखते तो भी चल जाता क्योंकि इस किरदार में मास अवतार का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो काफी डल तरीके से दिखाया जाता है अदरवाइज रखते भी तो भी स्टेमरिंग का जो पोर्सन था उसको थोड़ा शॉर्ट रखना था यानी कि काफी ज्यादा हकलाए हुए बताए हुए अगर थोड़ा कम रहता तो थोड़ा और बेहतर होता इस फिल्म की कहानी काफी छोटी है स्टोरी लाइन कुछ कुछ बड़ा नहीं है कोई प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है फिल्म में हीरो की जर्नी भी कुछ ऐसी आधी उधरी पकाई हुई नजर आती है लव स्टोरी को फोर्सफुल ऐसा नजर आ रहा था वो सभी चीजें कुछ खास इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रही थी फिल्म का पहले हाफ में स्टोरी को थोड़ा डिसेंट वे में हैंडल करने की कोशिश की हुई है जहाँ पे कुछ गाने सुनने को मिलते हैं जो डिसेंट थे लेकिन सेकंड हाफ जिस तरह से दिखाया हुआ है वो पूरा लोजिक लेस नजर आता है जहाँ पे विजय की जो जर्नी है यूएस तक की दिखाई गई है जिस तरह से वो फेमस होता है उसको सभी चीजों को दिखाया हुआ है वो थोड़ा ओवर दी टॉप नजर आता है इसके अलावा इस फिल्म में जो इमोशनल कनेक्शन दिखाने की कोशिश की हुई वो पूरी तरह से डिसअपॉइंट का तौर नजर आता है इस फिल्म में जो एक दिखाया हुआ है अन्य पांडे को लेकर वो पूरी तरह से सिली नजर आता है उसको जरा भी ढंग से हैंडल नहीं किया हुआ था क्योंकि वो सभी चीजें प्रिडिक्टेबल थी फिल्म की कहानी पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल सेंटीमेंट दिखाया हुआ है उसको काफी लाउड दिखाया हुआ है 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 वो वो प्रॉपर वाला नजर नहीं आता है, वो नहीं आता कनेक्शन पाता है। इसके अलावा इस फिल्म में काफी सारे हाई मोमेंट देखने की हम एक्सपेक्टेशन रख रहे थे लेकिन वो एक्सपेक्टेशन पूरी फुलफिल नहीं हो पाती फुलफिल नहीं हो पाती है बाई चांस आपको एक हाथ कोई ऐसा हाई मोमेंट देखने को मिलेगा अदरवाइज विजय देवर कोंडा को जिस तरह से पूरे जगन्नाथ ने क्रिएट किया हुआ है है वो काफी डिसअपॉइंटिंग नजर आता है। उनके किरदार की बात कर रहा हूँ प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफी नीट रखी गई थी कैमरा वर्क फिल्म का अच्छा था म्यूजिक डिपार्टमेंट में हिंदी गाने कुछ ठीक ठाक नजर आ रहे थे लेकिन वो गाने उतना कुछ खास इम्पेक्ट नहीं डाल रहे थे फिल्म की कहानी को रोक रहे हुए ऐसा नजर आ रहे थे कुछ गानों की जरूरत भी नहीं थी बीजीएम फिल्म का उतना कुछ खास नहीं था थोड़ा और बेटर वे में क्रिएट किया जा सकता था प्रोडक्शन डिजाइन क्या यूज थोड़ा बेटर वे में कर सकते थे प्रोडक्शन डिजाइन बेहतर वे में की जा सकती थी डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ ने इस फिल्म में पूरी तरह तरह से से जो हाइप क्रिएट हुई थी उसके ऊपर जी नहीं पाते वो जिस कहानी को लिखे उसको जिस तरह से किए जिस तरह से एक्टर का जो किरदार लिखा हुआ था वो सभी चीजें क्लियरली नजर आता है कि जल्दबाजी में निपटाई हुई ऐसा नजर आ रहा था कुछ भी फिल्म की कहानी के साथ सही नहीं जा रहा था हीरो को स्टेमरिंग करना काफी बेकार तरीके से फोर्सफुल कर पाता है पूरी जगन्नाथ अपने फिल्मों में यूज प्रॉपर वे में नहीं किया हुआ स्टोरी के एंड में उनको लाया हुआ है जिस तरह से उनका किरदार लिखा हुआ है उसको काफी सिली मैनर में लिखा हुआ था फिल्म में जो डायलॉग सुनने को मिलता है जो इमोशंस देखने को मिल रहा है वो पूरी तरह से मिसिंग नजर आता है स्पोर्ट्स ड्रामा जिस तरह से उन्होंने क्रिएट किया हुआ था वहाँ पे कोई फ्रेशनेस नज़र नहीं आती फिल्म की खाने को जिस तरह से हैंडल किया हुआ है वो भी रूटीन नजर आता है फिल्म में जितने भी ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलता है जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है वो कोई भी किसी भी प्रकार का इम्पेक्ट ऑडियंस में क्रिएट नहीं कर पाता है फिल्म में बहुत ही कम ऐसे मोमेंट नजर आएंगे जो आपको हाई लगेंगे इसके अलावा जो कॉमेडी है जो एक पेट्रोटिक डायलॉग है वो उतने कुछ खास उन्होंने क्रिएट नहीं किए जिसकी वजह से मास ऑडियंस इन सभी चीज़ों से अट्रैक्ट हो पाती ऑन इन हॉल कह सकते हैं कि लाइगर एक ऐसी फिल्म है जिसकी जो हाइप क्रिएट हुई थी उसके हिसाब से वो नहीं जा पाती है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करती हुई नज़र आती है फिल्म की कहानी वेफर थी स्टोरीलाइन थी ये सब बोल सकते हैं स्टमरिंग का जो विजय का एक था जिस तरह से प्रोसीडिंग को फटाफट निपटाया हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म के ड्रॉबैक में आती है

इंडिया लेवल पे रिलीज किया गया था जहाँ पे टोटल पांच लैंग्वेज थी जिसमें हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा और मलयालम लैंग्वेज शामिल थी इस फिल्म को जब रिलीज किया गया एक बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी 9 सितंबर 2021 को एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी कि ये फिल्म सॉरी जनवरी 2021 में अनाउंसमेंट हुई थी कि ये फिल्म सितंबर 2021 में आएगी 9 सितंबर 2021 में लेकिन प्रोडक्शन डिले होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 25 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया जहां पे फिल्म के जो थिएट्रिकल राइट्स थे वो करीबन इक्यासी करोड़ में बेचे गए थे और विजय देवर कोंडा ने अपने करियर में जितनी भी फिल्में की हुई है उसमें सबसे ज्यादा राइट्स बिकने वाली फिल्म साबित हुई थी हालांकि लाइगर तक जितनी भी उन्होंने फिल्में की हुई थी उसमें सबसे महंगी फिल्म लाइगर ही थी करीबन सो सवा सौ करोड़ का बजट था इस फिल्म के जो सैटेलाइट ओटीटी राइट्स थे उसको भी काफी भारी भारी रकम में बेचा गया था म्यूजिक राइट्स को भी काफी बड़ी रकम में बेचा गया था तो ओर और मेकर्स ने काफी सारा प्रॉफिट जरूर किया होगा भले थिएटर में फिल्म प्रॉपर वर्क नहीं करी है लेकिन जिस तरह से बॉक्स ऑफिस के अलावा इस फिल्म ने दूसरा जो कलेक्शन करके दिखाया हुआ है सैटेलाइट ओटीटी और म्यूजिक डिपार्टमेंट से वो काबिल तारीफ है वहाँ पे ये फिल्म आसानी से प्रॉफिटेबल वेंचर साबित होती है अदरवाइज थिएट्रिकल रन के हिसाब से देखे तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था एम पे करीबन फिल्म को चौवालिस हजार वोट मिले हुए थे जिसमें तीन पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म ऑडियंस ने किस तरह से नकार दी थी लेकिन उसके बावजूद भी इस फिल्म को जब ओटी पे रिलीज किया गया तब एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है

देखने को मिलेगी तमिल तेलुगु कन्नडा और मलयालम वर्जन में हिंदी वर्जन के साथ इसके अलावा इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड सैनल गोल एच डी के जाएगा, बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से इस फिल्म को यानी कि लाइगर फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे तो बस गाइज इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे शेयर कर दिए फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दे दिए फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पे मैंने आपको स्टोरी के ऊपर एक प्रोपर एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस करके दी हुई है इसके अलावा इस फिल्म की जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है टेक्निकल डिपार्टमेंट स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट है उनकी परफॉर्मेंसेस उनकी मेहनत के ऊपर हमने बातचीत कर ली है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू